नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पेपर बोट ड्रिंक एंड मेमोरीज। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पेपर बोट जो एक्चुअली में हेक्टर वेबरेज की कंपनी है, और ये हेक्टर वेबरेज जैसा कि आपको सभी को पता है कि ये पेपर बोट काफी फेमस है लोगों में, क्योंकि ये एक्चुअल में जो पुरानी चीजें हैं जैसे कि हम आम पापड़ वगैरह खाते थे, उन सभी प्रोडक्टों को इसने अपने नए रूप में पैकेजिंग करके प्रदर्शित किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर बोट का ये आम पना आपने खाया होगा, यानी कि जो कैरी होता है उसका आम पना बनाया जाता है। तो उसका हम टेस्ट आज करेंगे और रिव्यू आप तक पहुंचाएंगे। ये हमने ग्लास रख रखा है, इसको भी चेक करेंगे कि इसमें कितना आता है एक्चुअल में पेपर बोट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोगों का शिकायत होती है कि इसमें बहुत ही कम देते हैं। और जैसा कि इसमें भी लिखा है शेक एंड सिप, यानी कि इधर से ही सिप कर लो, तो वो सिप करने में तो थोड़ा ज्यादा ही लगता होगा, लेकिन ये कितना देते हैं वो भी अपन को पता चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड कलर्स, जस्ट लाफ्टर एंड सनशाइन। तो ये सबसे शानदार चीज है, और हम देखते हैं ये 20 रुपीज का है, आम पना है, तो इसका टेस्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। इसको ओपन करते हैं, लेट मी ओपन दिस। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको ओपन कर लिया है, और अभी एक काम करते हैं, इसको ढक्कन को हटा देते हैं। हालांकि इन्होंने बोला था कि इसको थोड़ा सा शेक करना है पहले, तो इसको शेक भी कर लेते हैं, पर अदरवाइज शेक नहीं होगा तो फिर तो थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। शेकिंग 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 शेक हो गया है, तो शेक करने के बाद इसको ओपन करते हैं। इसका ओपन करके इसको इसमें फिल करते हैं, देखते हैं इसका। ओके, ये लगभग पूरा तो नहीं भरा, लेकिन काफी कुछ मतलब कह सकते हैं कि भर गया है। बाकी का इसको इधर रखते हैं, लेट्स टेस्ट नाउ। इसका देखिए जो कलर है वो बिल्कुल आम पने जैसा, जैसा कि हमने नेचुरल मतलब नॉर्मली कभी पिया हो आपने अगर आम पना, तो उस जैसा ही लग रहा है। तो इसको हम टेस्ट करके आप तक पहुंचाते हैं इसका टेस्ट चाय का। ओरिजिनल है, जो चीज होती है वही है, पैकेजिंग में आया है बस, इसका डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट काफी में मतलब कह सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब ये आप जरूर से एक बार ट्राई करिए, आपको निश्चित तौर से पसंद आएगा अगर आपने रियल आमपना कभी पिया होगा। हाँ, अगर आपने आमपना कभी नहीं पिया है और फिर तब इसको पियेंगे तो शायद आपको ये पसंद ना आए, क्योंकि आमपना लोगों को नेचुरल नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन जिसको आमपना पसंद है वो डेफिनेटली इसको पसंद करेंगे। तो कह सकते हैं कि अगर नेचुरल वाले को हम 5 नंबर देते हैं जो हम खुद से बनाते हैं हाथ से अपना, तो इसको मैं आपको कह सकता हूं कि इसको मैं 4 नंबर दूंगा आउट ऑफ 5। तो टेस्ट के मामले में काफी ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन नेचुरल का तो वो अलग ही होता है जो हम खुद से बनाते हैं, और बाकी जो इसका टेस्ट है वो सिमिलर ही है, बट ये है कि ये उतना ताजा नहीं है, ये सारी चीजें हैं अदरवाइज। लेकिन इसका टेस्ट, क्योंकि अब लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहीं पर भी आप मॉल में जाएंगे वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो ये इजीली अवेलेबल है और इजीली आप पी सकते हैं तुरंत, तो बस ये इसका एडवांटेज है। अदरवाइज नेचुरल का एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन इसका भी कोई ऐसा बुरा टेस्ट तो नहीं है, इसका टेस्ट आप जरूर टेस्ट कर सकते हैं और यू कैन ट्राई। तो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।